जिले में जाजपुर उपखंड में अतिक्रमण हटाने गए एक उप सरपंच ने न केवल महिलाओं का हाथ पकड़कर घसीटा बल्कि विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की। इनमें से एक महिला दिव्यांग भी है। मंगलवार को यह घटनाक्रम का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और महिला की शिकायत पर शकरगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया तो अब उप सरपंच महिला पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। यह घटना जहाजपुर उपखंड के बेई ग्राम पंचायत की है। पंचायत की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी जहां मकान के बाहर खड़ी महिलाओं के साथ उप सरपंच बाबूलाल मीणा ने मारपीट की। इन महिलाओं का आरोप है कि पंचायत की ओर से पहले इन्हें लोगों को अतिक्रमण हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बेई ग्राम की रहने वाली कस्तूरी देवी मीणा ने शकरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो शादी के बाद से ही अपने गांव के प्रेतक मकान में रह रही है। मंगलवार को उपसरपंच बालूलाल जेसीबी लेकर आया और बिना किसी पूर्व सूचना के मकान के बाहर बने चबूतरे को तोड़ने लगा। इस पर कस्तूरी ने पूछताछ की तो उपसरपंच ने उसे और उसकी पुत्र वधु और बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद उपसरपंच मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित दिव्यांग महिला कस्तूरी देवी ने कहा कि सचिव सत्यनारायण शर्मा और उपसरपंच छोटूलाल मीणा ने हमें कोई पूर्व सूचना दिए बिना हमारे चल रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमसे गाली गलौज करते हुए मारपीट भी कर दी। इसको लेकर हमने पुलिस अधीक्षक और विधायक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने शकरगढ़ थानाधिकारी छोटूलाल को लाइन हाजिर कर दिया है। हमारे घर बैठ आई है और उनका कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं सच के पास आई हूँ, विधायक साहब के पास आई हूँ। मैं न्याय दिया, मेरे काम मेरे को गालियाँ दी बहुत है और बस।